स्ट्रक्चर पे तो मैं थोड़ा सा इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, यानी कि मैं ये कहूंगा स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक एरियाज वो हैं जो मल्टीपल एरियाज हैं, जो स्पेसिफिक कोई ना कोई खास उसको डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिस्क असेसमेंट, जिसमें मैं 5 स्टैंडर्ड्स काउंट करता हूँ। मुझे वॉइस पे फीडबैक दे दीजिएगा। ठीक है, आवाज मेरे पास दूसरे सिस्टम से अच्छी आ रही है। स्पेसिफिक एरियाज में आपके मल्टीपल एरियाज होते हैं, जैसे मैंने कहा रिस्क असेसमेंट में 5 स्टैंडर्ड आए, जैसे 240, 315, 520, 550, 570। तो मैं इसको एक स्पेसिफिक एरिया कहता हूँ कि ये एक ब्लॉक है। देन ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशन 700 सीरीज है। देन कोड ऑफ एथिक्स, ये 3 बड़े ब्लॉक्स हैं। फिर आईकैप के स्पेसिफिक अकाउंटिंग एरियाज के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स। आईकैप कभी भी एक अकाउंटिंग का इशू पकड़ता है और उसके ऊपर कहता है कि बताओ हमारे क्या प्रोसीजर होंगे। वो मोर ऑफ अकाउंटिंग का सवाल होता है और लेस ऑफ ऑडिट का सवाल होता है। तो ये एरिया ये भी है। मिसलिनियस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कभी कभार आईकैप पूछ लेता है, जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आईकैप ने धक्के से उसको सिलेबस में शामिल कर लिया। देन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यानी कि 210-220 कंपनीज एक्ट और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारी चीजें इसमें कवर हो रही होती हैं। देन हमारे आ जाते हैं ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड यानी आईएसए, इसमें 200 सीरीज, 300 सीरीज, 400 सीरीज, 500 सीरीज, 600 सीरीज, 800 सीरीज, 700 सीरीज भी होती है। लेकिन वो ऊपर कवर हुई भी है। नहीं अभी बंद हुआ है। मुझे काइंडली फीडबैक दे दीजिएगा। मेरे करीब जो है ना वो एक पावर का ब्रेक हुआ है और मैं एक डिफरेंट नेट और चीजों पे कनेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे काइंडली फीडबैक दे दीजिएगा कि आपको आवाज और कैमरा क्लियर है। मैं तो सब भूत नजर आ रहा हूँगा, लेकिन आवाज और कैमरा दोनों चीजें क्लियर है। आवाज और स्क्रीन जी काइंडली लिख के फीडबैक दे दीजिएगा। आवाज और स्क्रीन दोनों चीजें क्लियर हैं? बेहतरीन हो गया। और कैमरा भाई भी वापस आ गए। नहीं जी, कहानी को वहीं से कनेक्ट करते हैं जहां से टूटी थी। स्पेसिफिक एरियाज के बाद हमारे पास आईएसएस आते हैं, 200, 300, 400, 500, 600, ये सारी सीरीज। फिर हमारे पास आ जाते हैं अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, जिसके अंदर हमारी 3000 सीरीज है अश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स की। फिर हमारे पास 4400 सीरीज है, जिसमें रिव्यू एंगेजमेंट्स हैं। देन आईएसक्यूएम है, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं। और देन ओवरऑल एक फ्रेमवर्क है। तो ये बेसिकली आपके सामने एक ग्रिड बनी हुई है डिफरेंट तरह के टॉपिक्स की। तो अगर मैं 3 ब्रॉड टॉपिक्स बताऊं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो मल्टीपल एरियाज हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे सीधे सीधे स्टैंडर्ड्स हैं, और कुछ जगह पे आपके एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स हैं। तो अगर मैं देखूं तो तकरीबन 16% ऑफ द पेपर ऐसा है जो प्योर स्टैंडर्ड में से आ रहा है, यानी कि मल्टीपल टॉपिक्स में से नहीं आ रहा, किसी ना किसी स्टैंडर्ड में से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 10% ऑफ द पेपर ऐसा है जो किसी इस तरह की एरिया से आता है, जो कि एश्योरेंस, नॉन एश्योरेंस और इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। और देन सरप्राइजिंगली हमारे पास तकरीबन 73% ऑफ द पेपर ऑन एवरेज ऐसा है जो 5-6 तरह के ग्रुपिंग ऑफ टॉपिक के एरिया से आ रहा है। तो
एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग ऑडिट की किताब उठाते हैं, वो सारे स्टैंडर्ड्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं, बहुत डिटेल से पढ़ रहे होते हैं और अल्टीमेटली उन्हें लगता है कि उनकी तैयारी बड़ी अच्छी हो गई, लेकिन उन्होंने ग्रुपिंग नहीं बनाई होती और ग्रुपिंग करके चीजों को देखा नहीं होता, जिसकी वजह से वो मुश्किल में आ जाते हैं और वो चीजों को बड़े अच्छे तरीके से सम अप नहीं कर पाते और पेपर में आए हुए सवालों को देख के वो परेशान होते हैं कि ये तो उसी तरह के सवाल हैं जिस तरह के हम देखते आए हैं, लेकिन ये इस वक्त मेरे से क्यों नहीं अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज ये समझना कि हमारे पास तीन चार ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें मल्टीपल टॉपिक्स हैं, यानी रिस्क असेसमेंट के अंदर पांच तरह के स्टैंडर्ड हैं जो आपस में जुड़ के काम करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर छह सात तरह के स्टैंडर्ड हैं जो देखने होते हैं, और इसी तरह से कोड ऑफ एथिक्स का एक बड़ा एरिया है जो कि ये तीन प्राइम एरियाज बनते हैं हमारे ऑडिट के एग्जाम के। मैं मीनवाइल जरा अपनी कनेक्टिविटी यहाँ साइट पे आपके फीडबैक आ रहे हैं, मैं उसको अपने पास दोबारा से रिस्टोर कर लो। मीनवाइल आप फीडबैक दे दीजिएगा, आवाज स्क्रीन और कैमरा आपको सारी चीजें क्लियर है, तीनों चीजें, अब कैमरा भी क्लियर होना चाहिए। नहीं जी, ये जो एनालिसिस आपके सामने था ये मल्टीपल एरियाज के हिसाब से था, कुछ एरियाज को कनेक्ट किया वहां से 73% पेपर आया, खाली ऑडिट के स्टैंडर्ड्स की बात की 16% पेपर आया, और खाली एश्योरेंस और बाकी सारे स्टैंडर्ड्स सम अप करके देख लिए, तो आप ये देखें तो हर अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक एरिया से सवाल वो पूछ लेते हैं, और एक आधा अटेम्प्ट ऐसी भी बीच में गुजरती है जिसमें कोई सवाल नहीं आया हुआ, तो अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस से रिलेटेड उन्होंने जो ग्रिड बनाई हुई है उसमें भी कई दफा वो थोड़ी बहुत डंडी वगैरह मार जाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम लोगों ने तो गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है, तो हमने चीजों को एक डिफरेंट तरीके से देखना है। जब हम एनालिसिस को यूं देखते हैं तो इतना मजा नहीं आता, रादर अगर हम इसको एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करें, अगर हम इसको मार्क्स के हिसाब से प्रेजेंट करें, तो सुपर इंपॉर्टेंट एरियाज आई वुड से तीन ऐसे एरियाज हैं जहां से 57% ऑफ द पेपर आ रहा है, यानी पेपर के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन ऐसे में नहीं, साथ साथ हम सुपरमैन बनने की कोशिश भी कर रहे हैं।
नहीं जी, मैं टेक्निकल ग्लिच की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, क्योंकि मेरे पास पावर की दो लाइंस आ रही हैं और एक लाइन के ऊपर जो है ना वो फास्ट स्पीड नेट काम कर रहा है, तो मैंने अपने नेट को उस फास्ट स्पीड नेट से कनेक्ट किया हुआ था, बट वो कनेक्टेड था किसी पावर लाइन के साथ और वहां पावर फेलियर हुआ और मैं उधर से बिल्कुल आउट हो गया। तो अब मुझे फीडबैक आपसे चाहिए कि मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज आपको क्लियर है? स्क्रीन, आवाज और कैमरा, ये तीनों चीजें क्लियर हैं तो काइंडली मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। मैं मीनवाइल अपने साथ वाली डिवाइस पे भी आपके कमेंट्स वगैरह सामने ले आऊं, ताकि यहाँ स्क्रीन पे मेरे पास मैक्सिमम एरिया हो और मैं साथ साथ आपके कमेंट्स देखता रहूं। नहीं जी, एवरीथिंग क्लियर मुझे टीम ने बता दिया। असल में आप भी सोच रहे होंगे कि जो है ना वो सर बेचारे डिवाइसेस से, असल में पुराने जमाने में हमारे टीम मेंबर्स हमें सपोर्ट करते थे, तो जरा सारे डिवाइसेस अभी उन्होंने कह दिए कि सर जी आप ही देखें, इधर से भी आपने चलाना है, उधर से भी आपने चलाना है, आपने बैठ के देखना है। तो वो बस समटाइम ऐसा हो जाता है, मेरे टीम मेंबर मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, वो कह रहे हैं सर हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, बस अब जो है ना वो फिर जब हमें टीम तनहा छोड़ देती है तो फिर हम जो है वो खुद ही से मजदूर बन जाते हैं। तो अभी आप लोगों को मेरी आवाज, कैमरा सब क्लियर है, परफेक्ट, माशाल्लाह आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ गए और मैंने सिर्फ साथ एक डिवाइस कनेक्ट कर ली ताकि जो है ना मैं चीजों को देख सकूं। नहीं जी, मुझे आप लोगों के सवाल और बाकी चीजें दोबारा से नजर आना शुरू। जी, स्क्रीन, कैमरा और वॉइस सारी चीजें क्लियर है, बेहतरीन हो गया। मैं आपको बता रहा था कि हम अगर टॉपिक्स को मजीद डिवाइड करें और पास्ट पेपर एनालिसिस को थोड़ा सा ड्रिल डाउन करें तो हमें तीन ऐसे एरियाज नजर आते हैं जहां से 57% ऑफ द पेपर आता है, जिसमें रिस्क असेसमेंट के 5 स्टैंडर्ड्स, 700 सीरीज यानी कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट वगैरह से रिलेटेड जो डिस्कशंस है वो, और देन आपके कोड ऑफ एथिक्स का एरिया। तो अगर आप देखें तो यहाँ इन तीन से बड़ा फ्रीक्वेंट सवाल आ रहे हैं और कभी कम कभी ज्यादा और प्लस माइनस होते रहते हैं। देन हमारे वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनके अंदर हम 6 के करीब एरियाज को काउंट करेंगे और तकरीबन 26% ऑफ द पेपर 6 के करीब एरिया से बन रहा है। फिर हमारे मॉडरेटली इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे एरियाज आते हैं जहां से तकरीबन 12% बहुत सारे स्टैंडर्ड में से सवाल है, और फिर हमारे पास पिछली 20 से 26 अटेम्प्ट, क्योंकि मैं एनालिसिस को अब 10 ईयर्स पे ले जा चुका हूँ, 20 अटेम्प्ट पे ले जा चुका हूँ, तो लास्ट 20 अटेम्प्ट में हमारे पास ये वो टॉपिक है जिनमें से मुश्किल से एक सवाल आया, यानी कि 10 साल में, और बल्कि मैंने इससे पहले 26 अटेम्प्ट से एनालिसिस भी बनाया हुआ था, मैंने उनमें से कुछ कॉलम डिलीट किए हैं ताकि हम थोड़ा सा ज्यादा लेटेस्ट की तरफ आ सकें। तो तकरीबन 20 अटेम्प्ट तक इन टॉपिक में से एक सवाल हार्डली आया है कि जिसमें वो सवाल पूछें। देन हमारे पास एक सीरीज ऑफ टॉपिक है नॉट आस्क्ड इन लास्ट 20 to 26 अटेम्प्ट, यानी ISA 200, 230, 240, 260, 300, 450, 501, 530, 560, 580, 620, 805, 3420, 2400, IAPN, ये वो टॉपिक्स हैं जिन बेचारों की किस्मत में बारी नहीं आई। तो आप ये देखिए इतने सारे टॉपिक ये और ऊपर तकरीबन 8-9 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से सिर्फ एक दफा सवाल आया है, तो आई कैन से कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द सिलेबस से आई के अपने पिछली 20 अटेम्प्ट में या तो कोई सवाल नहीं पूछा या मुश्किल से एक सवाल पूछा है, यानी कि आईकैप का थ्रू आउट फोकस अगर आप गौर से देखें तो वो सिलेक्टेड एरिया की तरफ ज्यादा है। अब आईकैप ऑडिट का पेपर जो है वो एक ऐसा पेपर होता है जिसमें एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि एक तो कम से कम रिस्क असेसमेंट का सवाल होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, रिपोर्ट का सवाल होगा, कोड ऑफ एथिक्स का सवाल होगा, एक अजीब सा कोई अकाउंटिंग का सवाल होगा। तो पेपर में हमें 5-6 एरियाज या 4-5 एरियाज पहले से हम गेस करना शुरू कर देते हैं,
मैं नॉर्मली लास्ट मंथ में कुछ रिविजन क्लासेस कराता हूँ और उसमें इस पेपर की अप्रोच बताता हूँ, तो हम यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि पेपर में हमारे पास कितनी तरह के सवाल आएंगे, हम पहले घंटे में कौन से सवाल करेंगे, दूसरे घंटे में कौन से सवाल करेंगे, थर्ड घंटे में कौन से सवाल करेंगे। तो इस हद तक चीजें नजर आ रही हैं, समझ आ रही हैं। तो आईकैप एक एक खास तरह के पैटर्न को इस पेपर में बार 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 रिपीट करता जा रहा है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस जो है वो आपके सामने रखा, ये अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट एनालिसिस चलते 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 समर 2024 तक की अटेम्प्ट का एनालिसिस आपको बताता है। अब आप गौर से देखें तो एक एरिया, दो, तीन, चार, पांच, खलास, पांच एरियाज में पूरा पेपर बना डाला। इतने सारे सिलेबस एरियाज में इतनी सारी छोटी छोटी सी चीजें शामिल होने के बावजूद, और नीचे बहुत सारे एरियाज तो वहीं जिनमें से सवाल ही नहीं आए इस अटेम्प्ट से। तो आईकैप का एक खास फोकस एक खास तरह के एरिया पे हुआ हुआ है, फॉर विच रीजन पास पेपर्स की प्रैक्टिस और ये सारी चीजें बड़ी मैंडेटरी होती जा रही हैं, चीजें इसमें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब सवाल ये है कि हमारी सोर्स बुक क्या होनी चाहिए, हम इस पेपर